सब्सक्राइब कीजिए वीर जी किचन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के नमस्कार, लिए। मैं सपना सिंह वीर जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज बनाने जा रहे हैं हम लोग मावा और बेसन की बर्फी। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमने एक बाउल मावा लिया है। हमने मावा जो हमारा घर का बना हुआ है, इसलिए हमारा मावा देख आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। आधा बाउल बेसन, एक बाउल शुगर पाउडर यानी हमने बूरा लिया है, 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी, एक कुछ ड्राई फ्रूट्स, इलायची दाने। तो चलिए दोस्तों इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले कढ़ाई में घी डालेंगे। घी को हल्का गर्म होने देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा घी गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम बेसन। बेसन को अब हम हल्का गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। इसको मीडियम गैस पर ही फ्राई करना है, मीडियम गैस पर ही भूनना है इसको। जब तक हमारा बेसन गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हम इसको मीडियम गैस पर इसी तरीके से चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बेसन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम मावा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको भी हम मीडियम गैस पर ही चलाते रहेंगे मावे को। हमें मावे को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि हमारा मावा जो है घर का बना हुआ है, फ्रेश और एकदम अच्छा बना है। देखिए, हमने मावे को मीडियम गैस पर ही 1 मिनट के लिए पकाया है बेसन में डाल के। अब इसमें डालेंगे हम शुगर पाउडर। शुगर पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हम इलायची दाने भी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए, हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने इस तरीके की प्लेट ली है यानी कि ट्रे। तो अब इसमें हम बर्फी, जो बर्फी के लिए हमने बैटर बना के तैयार किया है, अब वो डालेंगे। अब इसको चारों तरफ इस तरीके से फैला देंगे। हमने इसको एक सा कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स। अब इसको हम चम्मच की मदद से इस तरीके से दबा देंगे। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम इसके पीसेस करेंगे। देखिए दोस्तों, 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हमने फ्रीज से बाहर निकाल लिया है। अब इसके हम जो है पीसेस करेंगे नाइफ की मदद से, इस तरीके से। अब इसके जो हम इस तरीके से आसानी से, देखिए आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारे पीसेस निकल आए हैं। इसी तरीके से हम सारे पीसेस निकाल लेते हैं। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।